इस एपिसोड का स्टार्ट किन्जी और टाइलर के उस बॉक्स में जाने से होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बॉक्स दरअसल बोडी का दिमाग है। उस की के जरिए इंसान किसी के भी दिमाग के अंदर जा सकता है और इस बॉक्स में इमोशंस लिविंग थिंग्स में बदल सकते हैं। वहाँ बोडी उन्हें अपने एक मेमोरी दिखाता है जिसमे रेंडल ने उसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाई थी। फिर वो सब बोडी के दिमाग से बाहर आ जाते हैं और बोडी वो की अपनी नेक से निकाल लेता है। किन्जी और टाइलर बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ये कीज ढूंढ कैसे रहा है। बोडी उन्हें बताता है कि उसको विस्परिंग सुनाई देती है और वो उसको फॉलो करके की तक पहुंच जाता है। टाइलर बोडी से की ले लेता है और दोनों कीज अपने पास रखने का डिसीजन लेता है। किन्जी और बोडी आर्ग्यू करते हैं पर टाइलर बोडी से कहता है कि वो ऑलरेडी एक की गुमा चुका है, इसलिए उसे और कोई की नहीं मिलेगी। बोडी उन दोनों को बताता है कि की उसकी गलती की वजह से नहीं घूमी, असल में एक वेल लेडी है जो उससे कीज लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे इन कीज की हिफाजत करनी होगी। पर किन्जी कहती है कि टाइलर मिरर की अपने पास रखेगा और हेड की किन्जी अपने पास रखेगी। और टाइलर बोडी को कहता है कि अगर वेल लेडी वापस आए तो वो उन्हें आकर बताए। दूसरी तरफ एको किसी कैफे में एक लैपटॉप पर मार्क के बारे में सर्च कर रही होती है। उसका एड्रेस पता चलते ही वो एनीवेयर की लेकर वहाँ चली जाती है। वो जगह बिल्कुल जल चुकी होती है। दरअसल ये उसी बंदे का घर होता है जिसने सीजन के स्टार्ट में एक की अपने दिल में मारी थी और अपने घर के साथ जल के मर गया था। एको को मार्क के घर के बाहर कुछ बच्चे दिखते हैं जिसमें से एक के गले में वो ही की होती है। एको से कहती है कि अगर वो उसे अपनी की दिखाएगा तो एको भी उसे अपनी की दिखाएगी। वो लड़का अपनी की दिखाने के बाद एको को अपनी की दिखाने का कहता है तो एको एनीवेयर की लेके एक सबवे का दरवाजा खोलती है और उस बच्चे की लेकर उसी सबवे में ट्रेन के आगे फेंक देती है। स्कॉट किन्जी को एक बैंड की टिकट्स देता है और अपने साथ कॉन्सर्ट पर चलने के लिए इनवाइट करता है। किन्जी नीना और बोडी के साथ टाइलर का हॉकी मैच देखने जाती है। वहाँ एली भी आ जाती है और वो नीना को हैंग आउट के लिए इनवाइट करती है। गेम के बाद टाइलर देखता है कि एक लड़का किन्जी को परेशान कर रहा है। वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने जाता है और चीजें कुछ हीट अप हो जाती हैं और टाइलर उसे मारने लगता है। तभी टाइलर को सैम की विजन आती है, उनके इंग्लिश टीचर जो आके टाइलर को वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन टाइलर को कुछ दिनों के लिए हॉकी टीम से सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठे टाइलर याद करता है कि वो इसी तरह एक दिन अपने फादर के ऑफिस बाहर बैठा था जब सैम लेसर वहाँ आया था और दोनों अपने फादर के इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। सैम ने कहा था कि उसका दिल करता है वो अपने बाप को कत्ल कर दे और टाइलर उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करो तो मेरे फादर को भी मार देना। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि टाइलर उस बात को लेकर आज भी गिल्ट में है। घर पर टाइलर सजा के तौर पे सफाई कर रहा होता है कि किन्जी उसके पास आती है और कहती है कि वो अपने दिमाग में जाना चाहती है। टाइलर उसे कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा। किन्जी अपनी नेक में की लगाती है तो सामने एक दरवाजा आ जाता है। वो अंदर जाके देखते हैं कि वो एक शॉपिंग मॉल टाइप जगह पे है। किन्जी टाइलर को लेके अपने फादर की मेमोरीज में जाती है। वहाँ वो किन्जी की एक बेड टाइम स्टोरी की मेमोरी देख रहे होते हैं कि तभी जगह स्विच होके उनके स्कूल के बाहर आ जाती है जहाँ पिछली रात टाइलर ने किन्जी को तंग करने वाले लड़कों को मारा था। यहाँ उन्हें पता चलता है कि किन्जी अपनी मेमोरीज को कंट्रोल कर सकती है और सिर्फ सोच के ही एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में भी जा सकती है। इस मेमोरी में उनको एक डरावनी सी लड़की दिखती है जो कि किन्जी ही होती है और वो लोग डर जाते हैं और टाइलर के कहने पर किन्जी मेमोरी बदल लेती है। फिर वो उस रात की मेमोरी में जाते हैं जब रेंडल की डेथ हुई थी और सैम किन्जी को ढूंढ रहा था। किन्जी टाइलर को बताती है कि उसे सामने रखा फायरप्लेस पोकर दिखा था, लेकिन वो उसे सैम पे अटैक भी कर सकती थी, पर वो इतना डरी हुई थी कि फ्रीज ही हो गई और अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। तभी वो ही इविल किन्जी आके टाइलर पे अटैक कर देती है। किन्जी वो फायरप्लेस पोकर पकड़कर उस इविल किन्जी को मारती है और फिर वो लोग किन्जी के दिमाग से बाहर आ जाते हैं। किन्जी बताती है कि वो उसका फियर था। टाइलर को किन्जी के फियर के अटैक करने पर काफी चोट आई होती है और वो गुस्सा होके वहाँ
से चला जाता है। नीना एली के साथ कैफे जाती है जहाँ नीना ड्रिंक के लिए मना कर देती है। उसे बताती है कि वो सोबर हो चुकी है और अब काफी अरसे से उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया है, यानी कि नीना पहले अल्कोहलिक थी। घर पे बॉडी को फिर से विस्परिंग सुनाई देती है। वो उसे फॉलो करता है तो उसे एक पिक्चर में एक और की मिलती है जिस पर स्कल बना होता है। बॉडी वो की एक की होल में डालता है जिसके डोर नॉब पे स्कल बना होता है। वो दरवाजा खोल के जब बॉडी उससे बाहर जाता है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से अलहदा हो जाती है और वो एक घोस्ट बन जाता है, जबकि उसकी बॉडी वहाँ बेजान गिर जाती है। बॉडी बहुत एक्साइटेड होके घोस्ट बना उड़ने लगता है। वहाँ वो टायलर को बालकनी में खड़ा देखता है, उसे बुलाता भी है, पर घोस्ट बने होने की वजह से टायलर ना तो उसे देख पाता है और ना ही सुन पाता है। बॉडी आगे उड़ने लग जाता है और उड़ते हुए वो एक कब्रिस्तान में जाता है जहाँ लॉक फैमिली के लोग दफनाए जाते थे। वहाँ वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उसके फादर को देखा है, क्योंकि वो भी घोस्ट हो शायद। उसे बताते हैं कि सिर्फ वो ही लोग घोस्ट बन के रहते हैं जिसकी डेथ की हाउस में हुई हो। वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके फादर रेंडल और अंकल डंकन भी यहाँ आया करते थे। तभी बॉडी को कार की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसकी मदर आ गई है, इसलिए वो वापस जाता है। वो वापस जाते हुए एली को वेल हाउस में जाते देखता है तो उसका पीछा करता है। वहाँ वो देखता है कि एली के पास वेल हाउस की है और वो अंदर जाके वेल में लूकस को बुला रही होती है। व्यूअर्स, लूकस बचपन में रेंडल के एक्सीडेंट में मरे हुए दोस्तों में से एक था। बॉडी वहाँ से चला जाता है। टायलर बॉडी को ढूंढने आता ही है तो उसकी लाइफलेस बॉडी देख के बहुत परेशान हो जाता है। तभी बॉडी उस दरवाजे से वापस अपनी बॉडी में आ जाता है और टायलर को डरा देता है। बॉडी उसे की के बारे में बताता है तो टायलर उसे डांटता है कि वो क्यों कीज को यूज कर रहा है, जबकि उसने उसे मना भी किया था। किन्जी अपने स्कूल के एप्लीकेशन के लिए ड्रॉइंग ढूंढ रही होती है तो नीना रूम में आती है। नीना उसे कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जाके माइंड फ्रेश करने का मशवरा देती है। किन्जी नीना को बताती है कि स्कॉट ने उसे इनवाइट किया है, पर वो जाना नहीं चाहती क्योंकि वो किसी से भी क्लोज होने पे डरती है कि उसका दिल टूट सकता है। लेकिन नीना के कन्विंस करने भी वो स्कॉट के साथ जाने पे मान जाती है। किन्जी कॉन्सर्ट हॉल के बाहर पहुँचती है। वो स्कॉट को उसका वेट करते भी देखती है, लेकिन उसके पास जाने के बजाय वो हेड की हाथ में पकड़े वहाँ से चली जाती है। बॉडी टायलर को बताता है कि उनके फादर ने भी कीज यूज की थी। टायलर पूछता है कि अगर उन्होंने कीज यूज की थी तो उन्हें उनके बारे में क्यों नहीं बताया। बॉडी कहता है कि वो भूल गए होंगे, जैसे उनकी मदर भूल जाती है, या शायद वो भी वेल लेडी से डरते थे। टायलर उसे हौसला देता है कि वो और किन्जी उसके साथ हैं। दूसरी तरफ किन्जी वुड्स में हेड की यूज करते एक चाकू और बैग लिए अपने दिमाग में जाती है। नीना रेंडल की पुरानी ईयर बुक देख रही होती है जिसमे उसे बहुत सारे ओमेगा सिम्बल्स बने दिखते हैं। उसे याद आता है कि सैम लेसर जब उनके घर आया था तो उसकी रेस्ट पर भी ओमेगा का सिंबल बना हुआ था। किन्जी अपने दिमाग से एक बैग को घसीटते बाहर आती है। उस बैग में किन्जी का फियर होता है जिसे किन्जी मार के दफना देती है और उसे ये सब करते एको देख रही होती है। अगली सुबह किन्जी अपने बालों को कलर करती है और अच्छा सा तैयार होती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ते पे किन्जी अपनी मदर से रूडली बात करती है। उनके जाने के बाद टायलर उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन उनके बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। स्कूल पहुंचकर टायलर किन्जी से फिर से पूछता है कि वो इतना चेंज्ड बिहेव क्यों कर रही है, तो किन्जी उसे बताती है कि वो रात को अपने दिमाग में गई थी और अपने फियर को बाहर लाके कत्ल करके दफना दिया है। टायलर उस पे गुस्सा करता है, लेकिन किन्जी उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। किन्जी स्कॉट और उसके ग्रुप के पास जाती है। वो सबको उनकी मूवी के लिए बनाया पोस्टर दिखाती है जो गेब, जैडी और डग को बहुत पसंद आता है और वो उसे मूवी में वापस रखने के लिए मान जाती है। किन्जी स्कॉट को भी पिछली रात टिच करवाने के लिए अपोलोजाइज करती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। किन्जी उसे स्कूल के बाद अपने घर पे भी इनवाइट करती है। नीना एली को रेंडल के ग्रुप की पिक्चर दिखा के कहती है कि वो उसके पुराने दोस्तों से मिलना चाहती है ताकि रेंडल के बारे में और जान सके। एली उसे बता
बताती है कि एरिन एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है क्योंकि 20 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और तब से एरिन ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। और मार्की कुछ टाइम पहले ही घर पे आग लगने की वजह से डेथ हो गई। एली उसे बताती है कि बचपन में वो लोग मोस्टली रेंडल की तरफ ही मिला करते थे और नीचे पिंग पोंग रूम में होते थे। नीना को उस रूम का नहीं पता होता तो एली उसे बेसमेंट में उस रूम तक ले जाती है। फिर वहाँ किसी ने एक दीवार बना दी होती है। नीना उस दीवार को तोड़ देती है और वो दोनों अंदर जाके देखती हैं कि सब कुछ वैसे का वैसा ही होता है। एली वहाँ पर कुछ ढूंढ रही होती है, तभी नीना उसे बुलाकर पूछती है कि क्या उसे रेंडल का ओमेगा सिंबल बनाना याद है। तो एली कहती है कि उसे ऐसा कुछ नहीं याद। वहाँ नीना को एक कबर्ड मिलता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एरिन को मिलने के लिए एको जाती है। उसे रेंडल और मार्की डेथ का बताती है, फिर उसे कहती है कि अगर वो उसे कुछ नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, उसके दिमाग में जाने का तरीका ढूंढेगी। स्कूल में टायलर जैकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उसके इंग्लिश टीचर जो मिलते हैं उसे मशवरा देते हैं कि हॉकी टीम के अलावा भी कुछ ट्राई करे क्योंकि चेंज कभी कभी अच्छा भी होता है। बोडी स्कूल के बाद घर आता है तो रूफस को काम करता देख के उसके पास जाके पूछता है कि क्या उसकी माँ ने कभी लूकस नाम के बंदे का जिक्र किया था। रूफस उसे बताता है कि हाँ, उसकी मदर का फर्स्ट लव था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। बोडी रूफस से वेल हाउस के बारे में पूछता है। रूफस बताता है कि उसकी मदर उसे कभी भी वेल हाउस के पास जाने नहीं देती। रेवोल्यूशनरी वॉर में ब्रिटिश ने वेल हाउस को बेस की तरह यूज किया था और प्रिजनर्स को वेल हाउस में फांसी देते थे। बोडी अपने रूम में जाके मैथिसन की हिस्ट्री बुक निकालता है और उसमें की हाउस और वेल हाउस की हिस्ट्री पढ़ता है। तभी उसे वेल हाउस की पिक्चर में से एको नजर आती है जो उसे कहती है कि तुम उन लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। बोडी डर के वो बुक दूर फेंक देता है। जैकी टायलर के पास आती है और उसे बताती है कि मिस्टर जो ने उसे बताया है कि टायलर 5 की चैरिटी के लिए स्पॉन्सर करना चाहता है और उसे पूछती है कि वो मीटिंग के लिए कब आ सकता है। पहले तो टायलर को कुछ समझ नहीं आता, फिर उसे याद आता है कि मिस्टर जो ने उसे चेंज ट्राई करने के लिए सजेस्ट किया था, इसीलिए वो उसे कहता है कि वो स्कूल के बाद आ सकता है। जैकी टायलर का नंबर लेती है तो वो उसके फोन पे ब्रिटिश फ्लैग का केस देखता है। बोडी घर के सब की होल्स में च्यूइंग गम डाल देता है ताकि एको उनके घर के अंदर ना आ सके। बोडी टायलर को किन्जी के रूम में की ढूंढते देख लेता है और उसे बता देता है कि किन्जी की कहाँ रखती है। फिर वो दोनों की लेके बोडी के रूम में आते हैं। टायलर कहता है कि जिस तरह किन्जी ने अपने फियर को बाहर निकाला था, उसे लगता है कि वो कुछ अंदर भी डाल सकता है। वो वहाँ प्री मैथिसन की हिस्ट्री बुक अपने दिमाग में डालने लगता है तो बोडी उसे रोक कर उसमें से वेल हाउस वाला पेज फाड़ कर टायलर को दे देता है। टायलर वो बुक अपने दिमाग में डाल देता है और फिर बोडी को उससे मैथिसन के बारे में कोई सवाल करने को कहता है। जब बोडी सवाल करता है तो टायलर को सरप्राइजिंगली मैथिसन की सारी हिस्ट्री पता होती है ना मजे की बात। अगर मेरे पास ये हेड की होती तो मैं भी अपने हर एग्जाम में टॉप करती। एनीवे टायलर खुश हो जाता है और बोडी से इंग्लैंड की हिस्ट्री बुक मांगता है क्योंकि जैकी के फोन का बैक कवर देख के उसे लगता है कि जैकी को इंग्लैंड बहुत पसंद है और उसकी हिस्ट्री बता के वो उसे इम्प्रेस कर सकता है। टायलर फिर जैकी से मिलता है और उसे लंदन की हिस्ट्री सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, बट असल में जैकी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जैकी उसे बताती है कि उसे असल में सैंडिटन नॉवल पसंद है। टायलर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। किन्जी स्कॉट को अपने साथ की हाउस लेके आती है। स्कॉट उसे बताता है कि उसके घर के पास सी केव्स में बहुत अरसा पहले 3 बच्चों की डेथ हो गई थी। किन्जी उसे अपने रूम में लेके जाती है और उसे हेड की दिखाती है। जब किन्जी वो हेड की अपनी नेक में इंसर्ट करती है और उसकी दूसरी तरफ बाहर आती है तो ये देख के स्कॉट
बहुत शॉक में आ जाता है। उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। किन्जी स्कॉट को अपने दिमाग में ले जाती है और उसे बताती है कि वो दोनों उसके दिमाग में हैं। उसे बताती है कि की हाउस में बहुत सारी मैजिकल कीज हैं और इस की से वो किसी के भी दिमाग में जा सकते हैं। स्कॉट उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। किन्जी उसे अपनी मेमोरीज वाले सेगमेंट में लेके जाती है और उसे अपने फादर के साथ अपनी फेवरेट मेमोरी दिखाती है। स्कॉट वो मेमोरी देखने के बाद बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि मैजिक रियल होता है। रात को टाइलर किन्जी के पास आता है और उससे लड़ने के लिए अपोलोजाइज करता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। बोडी उन्हें बताता है कि ये वेल लेडी है और वो कीज लेने आई है। तभी घर की सब लाइट्स टूट जाती हैं और किन्जी एक लड़की को सामने से गुजरते भी देख लेती है। एको फायर की यूज करते हुए किचन में आग लगा देती है। टाइलर और किन्जी नीना के पास भागते हैं और बोडी को पीछे से एको पकड़ लेती है। वो बोडी से कीज मांगती है पर बोडी के ना देने पर वो उसे लेके कहीं चली जाती है। किन्जी और टाइलर नीचे नीना की हेल्प के लिए जाते हैं। नीना आग बुझा देती है और उनसे बोडी का पूछती है। वो सब बोडी को ढूंढने लग जाती हैं। उसे ढूंढते टाइलर को दरवाजे के बाहर आग दिखती है तो वो बाहर जाता है जहाँ उसे एक आग के सर्कल में बोडी और वेल लेडी दिखते हैं। एको बोडी से हेड की मांगती है। बोडी उसे की दिखा के कहता है कि तुम मुझसे खुद क्यों नहीं ले लेती। एको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे की मांगती है। टाइलर बोडी को बचाने की कोशिश करता है पर उसके लिए आग के अंदर जाना इम्पॉसिबल होता है। उधर बोडी समझ जाता है कि वो उसे की खुद नहीं छीन सकती। एनीवेयर की भी उसने उसे ट्रिक करके ली थी। जब तक बोडी खुद उसे की नहीं देगा एको कुछ नहीं कर सकती। एको गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ से आग खत्म हो जाती है और टाइलर उसे लेके अंदर चला आता है। नीना को समझ नहीं आ रहा होता कि आग कैसे लगी। अब वो कहती है कि काश रेंडल यहाँ होता। किन्जी को ये सुन के अफसोस होता है। अब वो नीना से पहले दिन की हुई बदतमीजी पर माफी मांगती है। एको जेल में सैम से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो अपनी खुद की गलती की वजह से जेल में है पर वो उसे निकालने में हेल्प कर सकती है अगर वो उसकी बात माने। सैम मान जाता है और एको से फायर की दे देती है ताकि वो जेल से भाग सके और यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाती है।